सोशल मीडिया पर, बाकी सारे मीडिया पर, फैमिली फ्रेंड्स, इंडस्ट्री फ्रेंड्स, सबसे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है प्रोमो को देखने के बाद. सो आई एम होपिंग दैट यू नो शो विल डू रियली वेल. इट्स द सेम लाइक स्पेशली जब मैंने मेरे लिए सुपर नेचुरल शो पहली बार कर रही हूँ मैं. इवन फॉर यू राइट? नो माइन सेकंड. दिव्यदृष्टि वाज माय फर्स्ट. यस सो मेरे लिए फर्स्ट है. सो आई थिंक फॉर मी ऑल्सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड एवरीबडी हैज लव्ड इट सो फार. फिंगर्स क्रॉस्ड. नायरा जी, आपसे जानना चाहूंगा आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिले, स्पेशली हेयर्स को लेके काफी चर्चा हो. मुझे तो बस यही मैसेज आता है, अगर तुम जैसी पिशाचनी हो तो प्लीज हमें वहां के मारो, हमारे घर आओ, हम बर्बाद होने को तैयार है. अरे अच्छा चलो ठीक है, आ रहे हैं हम 8 अगस्त को. एंड दिस इज द सेकंड टाइम लाइक यू आर डूइंग आफ्टर दिव्यदृष्टि. इतनी कुछ एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहोगे, हिमाचल प्रदेश में शूटिंग हुई उसके बारे में क्या कुछ है? यस सो सी जॉनर तो वही सुपरनैचुरली है और मेरे शो में भी पिशाचनी थी, लेकिन मैं पिशाचनी बहुत अलग हूँ. हिमाचल प्रदेश में हमने चैल में शूट की, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस था. इस स्टोरी की ऑथेंटिसिटी को और बरकरार रखने के लिए वी शॉट ओवर देयर, वी शोड द ब्यूटीफुल माउंटेंस, वी शोड द ऑथेंटिक बंगलोज ओवर देयर, द पैलेसेस, यू नो, एंड इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल. द राजपूत फैमिली, you know, and we, I think the locations were very, very, very nice. Also, it adds na somewhere ki aapki storyline intriguing to hai hi hai, uske saath aapko ek visual treat hai. Yes. And at the same time, it is a supernatural family entertainer, to bacche se lekar har ek age group ka banda ise dekh sakta hai. Aap apne kirdar ke bare mein kya kuch kehna chahoge? Well, Rocky. Rocky. I love Rocky's character. मैंने ये जब मैंने पहले देखा था, I was like, यार काश मैं लड़का होती और मैं रॉकी का कैरेक्टर कर रही. रॉकी इज एन एंटरटेनर. रॉकी एक ऐसा बंदा है जो जब भी स्क्रीन पर आएगा आपके चेहरे पर स्माइल आएगी ही आएगी. केयरफ्री है, बहुत ही यू नो मस्त है, अपनी लाइफ में मस्त रहता है, फैमिली से काफ़ी लगाव है उसे. एट द सेम टाइम यू नो बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, उसको जैसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो उसे ग्रैब कर लेगा. स्मॉल टाउन का है, छोटे शहर का है, बरेली से बिलोंग करता है, बट इसके ख्वाब सपने, इसकी जो शख्सियत है वो बड़ी ही बड़े शहर के रईस ज़ादे टाइप. कितना रिलेट कर पाता है रियल लाइफ से? आई डोंट थिंक सो, आई एम एनीवेयर नियर टू रॉकी. रॉकी बहुत ही यू नो बहुत ही फॉरवर्ड है, उतना मैं शायद फॉरवर्ड ना हूँ. मैं उतना ज़्यादा यू नो जिस तरीके से रॉकी डील करता है लाइफ के साथ, मैं बिल्कुल ऐसे डील नहीं करता हूँ. ही इज क्वाइट ट्रेडिशनल एट हार्ट आई गेस. या आई एम वेरी ट्रेडिशनल एट हार्ट एंड यस. तो रियल और रील बहुत ही डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू रॉकी एंड हर्ष. ये क्वेश्चन इसे पूछना चाहिए नायरा को. कितना रिलेट करते हो आप? आप लोग बताओ क्या रिलेट करती भी हूँ? नॉट एट ऑल, आई एम जस्ट एंजॉइंग दी पावर्स. देखो दिव्य दृष्टि में मेरे पास पावर्स थे, मैंने उसको फुल ऑन एंजॉय किया. अभी पिशाचनी में मेरे पास पावर्स है, मैं उसको फिर से एंजॉय कर रही हूँ. आई एम जस्ट चिलिंग एंड एंजॉयिंग. नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत इंपैक्टफुल होते हैं, तो आपको क्या लगता है दर्शक को नेगेटिव चीज़ देखना ज़्यादा पसंद होता है या नेगेटिव कैरेक्टर्स देखना ज़्यादा पसंद होता है? सी मैं, आपने हमेशा देखा होगा कि मैं, मेरी पत्नी और वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. वही वो चीज़ होती है जो सारा ड्रामा क्रिएट करती है, सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स क्रिएट करती है. तो मैं वो हूँ पिशाचिनी. ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाले दर्शक लगता है कि जो चल रहा है वो रियल लाइफ में, वो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग वाले कैरेक्टर से या? सी ये फिक्शन है और ये सुपर नेचुरल, ये रियल स्टोरी थोड़ी है. ये तो एक भूत प्रेत, बहुत ही ज़्यादा फिक्शनल है. हाँ ये भूत प्रेत की स्टोरी है, तो इसमें कैसे रिलेट करोगे? आप क्या कहना चाहोगे अपने किरदार के बारे में, कुछ बताइए दर्शकों को. मेरे कैरेक्टर का नाम पवित्रा है, जो कि अब्रॉड से आई है यहाँ पर, बट वो एट हार्ट आई थिंक शी इज़ वेरी ट्रेडिशनल एंड एज यू कैन सी मैं कहीं से भी लगती रही हूँ कि मैं लंदन से आई हूँ. एंड सो शी हैज़ हर ओन जर्नी एंड हाउ शी इज़ कनेक्टेड, हाउ एवरी थिंग इज़ कनेक्टेड फॉर मी, फॉर हर, फॉर हाउ एम आई कनेक्टेड विद बोथ ऑफ देम, एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड अस. बस ये आप केयर कर रही है मेरे लिए, डरा रही है? नहीं, तेरी आँख के अंदर बाल जाने वाला था.
लाइक प्रोमोज आने के बाद लाइक किस तरह के रिस्पॉन्स आपके फैमिली से आए, लाइक फ्रेंड्स से आए, कुछ कुछ कहा होगा उन्होंने उसके बारे में कुछ बताइए. दे ऑल लव्ड इट एंड द थिंग इज अभी मेरे कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील हुआ नहीं है. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि जब वो आए. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम श्योर लाइक नहीं मैं बोलना चाहूँगी, ये एक लड़की है जिसको मेरे सुपर पावर्स के बारे में पता है और ये मेरा पुंगी बजाना चाहती है, तो मेरी अच्छी खासी टक्कर होने वाली है इसके साथ. पवित्रा, यस, देखेंगे क्या होता है. नायरा जी, दंगल के दंगल चैनल में हमने आपका लास्ट शो देखा था रक्षाबंधन, उसके बीच में गाना भी आया जो काफ़ी सुपर हुआ. अब लाइक यू हैव केम अप विद द न्यू थिंग, किस तरह से शुरुआत करोगी इस जर्नी के बारे में, किस तरह से कुछ प्रिपरेशन की रहेगी आपने? मैं कभी कुछ प्रिपरेशन करती नहीं हूँ क्योंकि हर मोड़ पर कुछ ना कुछ चेंज होता है. हमारे चॉइसेस भी चेंज होते हैं, हमारे गोल्स भी चेंज होते हैं, और मैंने देखा है मेरी लाइफ में मैं कुछ भी टारगेट करती हूँ या गोल करने की कोशिश करती हूँ, इट डजंट वर्क आउट. सो आई जस्ट फ्लो. माई मोटो इन लाइफ इज़ टू फ्लो विद लाइफ एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स. आई डू ट्रस्ट एवरीथिंग मेक्स सेंस एट द एंड. इन द रियल लाइफ इफ यू गेट द सुपर पावर, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग? आई वुड वांट टू हैव टेलीकिनेसिस. दिव्या शर्मा से मैं एक्चुअली रिलेट करती थी क्योंकि बचपन में मुझे ऐसा था कि काश मेरे पास ऐसे पावर्स होते. एंड आप लोग बताइए, आप लोग को अगर लाइक इफ यू गेट अ सुपर पावर लाइक दिस, तो आप क्या करना चाहोगे पहली चीज? वेल, मैं तो सुपर पावर अभी फिलहाल लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं इनफ ऑफ सुपर पावर्स है विद इन मी, वो हो चुका है. एंड आई फील ये शो पर मैं हूँ इसी वजह से, मोस्टली क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ. और आई थिंक नॉर्मल इंसान के पास इनफ पावर्स होते हैं टू फाइट दी वर्ल्ड. लिसन, वो हम देखेंगे तुम दो इंसानों के साथ हम कैसे डील करेंगे. वी विल वॉच, वी विल सी. इसके बारे में लाइक इफ यू विल, इफ यू विल गेट अ सुपर पावर, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग लाइक सी यू डू? आई वुड वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड. या टेलीपोर्ट. आई कैन टेक यू. आई कैन टेक यू टेलीपोर्ट. एंड देयर इज दिस वन मोर लाइक व्हाट डू यू कॉल इट व्हेन यू वांट टू लाइक जंप? नो नो, गायब. नहीं, अरे नहीं यार, बोलने तो दो मुझे, बोले जा रहे. व्हेन यू यू कैन जस्ट लिव फॉर इटर्निटी. अरे अरे अरे, अश्वत्थामा बनना है आपको. ओह, इंग्लिश वर्ड पूछ रही थी, अश्वत्थामा. Who lives forever? Yeah. अजर अमर बोलते हैं. मैम, इंडियन आर्टिस्ट यू नो वर्क सो हार्ड, इतना स्ट्रगल करते हैं पहचान बनाने के लिए, लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया जो मीडियम है इतना ऑब्सेस है लोग फेम फैक्टर को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना प्रैक्टिकली इम्पैक्टफुल मानते हैं चीज़ को कि फेम फैक्टर के लिए इतना ज़्यादा पागल करने को? सी, यू नो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे एवरीबडी कैन शो केस देयर टैलेंट. इट हैज़ बिकम अ सोशल कॉम्पिटिशन नाउ, बट यू नो वॉट, दिस इज अ माया जाल. इसका भी एक फेज़ है, ये फेज़ भी फेज ऑफ होगा कभी ना कभी. यू नो एट द एंड व्हाट रियल टैलेंट इज दैट विल सरफेस. सो आई डू नॉट रन आफ्टर दिस. आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ, आई एम वर्किंग, चिलिंग विद फैमिलीज, चिलिंग विद फ्रेंड्स. ऑल्सो समवेयर आई फील इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि टैलेंट इज बीन कास्टेड ऑन बेस्ड ऑफ द नंबर्स. एब्सोल्युटली राइट, दैट्स सैड, दैट इज वेरी सैड. यू नो कहीं ना कहीं वो आपका यू नो एक टैलेंट को के साथ अनफेयर है कि आपके नंबर ज़्यादा है तो आपको कास्ट किया जा रहा है और आपके नंबर्स कम हैं. अनफेयर तो प्रोड्यूसर्स को भी फील होता है जब वो कास्ट कर लेते हैं अच्छे अच्छे खासे फॉलोअर्स को लेकर, एंड देन दे रियलाइज दैट दीज गाइस डोंट नो एक्टिंग, देन व्हाट? ये तो लिप सिंक कर रहे थे. एग्जैक्टली. लास्टली हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे और 8th अगस्त के लिए, एंड एनी स्मॉल मैसेज टू द ऑडियंस? यस, तो हमारा शो आ रहा है पिशाचनी 8th go, and we are very very excited, and all we need right now is your love and support, and I hope you all welcome us with open arms. I hope you guys love Pishachini as much as you're going to hate her, and let's see how spirit versus human being fight happens. ये एक टोटली फैमिली सुपरनेचुरल एंटरटेनर है, ये हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े के लिए है. तो हम आशा करते हैं कि हर कोई टीवी पर जुड़े हमारे साथ और हमारा शो देखे पिशाचिनी, जो कि 8 अगस्त सोमवार से शुक्रवार रात को 10 बजे कलर्स चैनल पर आने वाला है. एंड ऑन वूट टू. यस, ऑन वूट टू. और आप हमें ढेर सारा प्यार दे जैसे आपने हमें पहले हमारे शोज में भी दिया, इस बार हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यस, लास्ट क्वेश्चन कौन मैं पिशाचनी हूँ, ये मेरे ओरिजिनल हेयर है, मैं कोई शैम्पू वैम्पू यूज नहीं करती, मेरे जान मेरी शक्ति मेरे बालों में बसती है.
मैं नहीं बताना चाहती, सीक्रेट क्यों बताओ आप लोग? देयर इज अ न्यू ब्रांड कॉल्ड पिशाचिनी शैम्पू, इट्स पिशाचिनी शैम्पू। Thank you so much guys. Thank you so much. Pishachini shampoo.